हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्टाइल्स ग्रुप के बारे में, उसके ए टू जेड ऑप्शंस के बारे में। यह है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 7। और स्टाइल्स वाले जो ऑप्शन होते हैं वो आपके ऑफिस वर्क में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जब आप हेडिंग्स वगैरह पे काम करते हैं या जब आपको बार बार हेडिंग्स का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, तब ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी ऑप्शन मिस ना हो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ए टू जेड सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं जो कि यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। पिछले वीडियो में हमने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के ए टू जेड सारे ऑप्शन सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके और पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के सारे ऑप्शन सीख सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा या नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टाइल्स ग्रुप होता है वो हमारे होम टैब में यहां पर होता है। ये जितने भी ये स्टाइल्स दिख रहे हैं इन सभी के ग्रुप को हम स्टाइल ग्रुप कहते हैं, स्टाइल्स ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टाइल्स का यूज क्या होता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल करने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसका फायदा क्या होता है। तो उसको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लिस्ट लिख रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई बेसिक कोर्स के नाम से, उसके अंदर मैंने जो भी कॉन्टेंट लिखना है, जो भी हेडिंग्स बनानी है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसमें टाइटल लिख रहा हूँ, सभी आप इसको हेडिंग भी कह सकते हैं और अलग अलग पैराग्राफ के टाइटल भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये छोटी बड़ी कई तरह की हेडिंग बना दी। इसको हमने अगर फॉर्मेटिंग करनी है इसकी, यानी कि स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए हम स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मेजर फायदा ये होता है कि हम स्टाइल्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं विदाउट बार बार उसको बोल्ड इटैलिक करने के, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर हेडिंग्स लिख दी अलग अलग। अब मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी हेडिंग्स हैं उनका फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाए और उसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाए। जो सेकंड लेवल की हेडिंग है उसको मैं अलग कलर या फिर स्टाइल देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली तो हम यहाँ से फॉन्ट ग्रुप में जो ये बोल्ड इटैलिक वाले ऑप्शन हैं इनसे करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे इसको मैंने साइज इसका मैंने कर दिया मान लीजिए 18, और ऐसी जो दूसरा मेरा जो बड़ी हेडिंग थी उसको भी मैंने 18 कर दिया। जो सेकंड नंबर वाली हेडिंग्स हैं उनको मैं करना चाहता हूँ मान लीजिए 16, जैसे कि मैंने इनको अप्लाई कर दिया और इनमें भी 16। और जो ये इसके थर्ड लेवल वाली हेडिंग्स हैं इनको मैंने कर दिया 14। और अगर इनका कलर भी चेंज करना है तो मुझे सबको ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक करके कलर चेंज कर दिया, इस पे मुझे यही कलर चेंज करना है। और जो ये सेकंड लेवल की हेडिंग है इनको मैंने कोई दूसरा कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर दे दिया। तो इस तरह अगर आप जब भी कोई लिस्ट बनाते हैं या फिर हेडिंग्स बनाते हैं तो उनमें आपको इस तरह कलर देने पड़ते हैं और बोल्ड इटैलिक करना पड़ता है। तो स्टाइल्स का यूज़ क्या होता है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ये तो अप्लाई कर दिए सभी, ठीक है, ये सारे कलर अप्लाई कर दिए, बोल्ड इटैलिक कर दिया, बट फिर आपको लगा कि नहीं ये बेसिक जो कोर्स है या फिर ये जो हेडिंग्स है इनके सभी के कलर ब्लू शेड में करने हैं या फिर इनको किसी को बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, तब आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी तो ये छोटी लिस्ट है, तो छोटी लिस्ट में तो आप आसानी से बोल्ड इटैलिक करके और जल्दी कर सकते हैं वो काम। लेकिन बड़ी लिस्ट में जहाँ पर आपके पास मान लीजिए 50 चैप्टर की एक बुक है और उसमें आपको सभी जगह टाइटलों का कलर या फिर बोल्ड इटैलिक करना है, तो उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे अब मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करके और ब्लू करना चाहता हूँ सभी के कलर, तो मुझे बार बार ऐसे करना पड़ेगा चेंजिंग, और या फिर मुझे कंट्रोल बटन दबाकर ऐसे ऐसे अलग अलग हेडिंग्स जो सिमिलर लेवल की हैं तो उनको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। इस तरह मैं सभी को सिलेक्ट कर करके और अगर उसकी स्टाइल को या फॉर्मेटिंग को चेंज करूँगा तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हम यहाँ पर जो ये स्टाइल्स ग्रुप दिया हुआ है इन स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल बेसिक कोर्स, ठीक है, इसको मैंने हेडिंग 1 अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर DTP कोर्स है इसको भी मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया, तो इसमें आपको हेडिंग 2 दे दी,
आपने, और इसमें मान लीजिए हेडिंग 3 दे दी जो थर्ड लेवल की हेडिंग है, ये हेडिंग सेकंड लेवल की है तो इसमें सेकंड कर दिया। तो इसमें आप इसको टैब दे के भी अलग सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करके अगर टैब बटन दबाऊंगा तो ये थोड़ा उधर हो जाएगा। इससे आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि ये अलग से हेडिंग है, तो इनको सिलेक्ट करके आप टैब बटन से उधर भी कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद है ये लिस्ट ऐसे बनाना। अब क्योंकि आपने ऊपर हेडिंग 1, 2 और 3 अप्लाई किए थे तो आपको बार बार यहाँ से बोल्ड इटैलिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपने हेडिंग 1 का जो कलर है वो चेंज करना है, ठीक है, सब जगह जहाँ पर भी हेडिंग 1 लिखी हुई है, जैसे इसमें बेसिक कोर्स हेडिंग 1 है और DTP कोर्स भी हेडिंग 1 है, इसको अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ पर सिंपली हेडिंग 1 जो लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करके और इसमें आप मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई वाली कमांड होती है जो भी स्टाइल है उसके ऑप्शंस को मॉडिफाई करना। तो इसमें आपको यहाँ पर ऊपर हेडिंग का नाम लिखा आ जाएगा, ये अभी स्टाइल टाइप डिसेबल है, ये फिक्स होती है, और स्टाइल बेस्ड ऑन ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये स्टाइल बेस्ड ऑन नॉर्मल लिखा हुआ है। आपको इनको चेंज नहीं करना क्योंकि इनको चेंज करने से आपके स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और बाद में आपको नॉर्मल करने में फिर दिक्कत होगी। तो ये वाले ऑप्शंस आपने चेंज नहीं करने, सिर्फ आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है फॉन्ट का, वो कर सकते हैं, जैसे मैंने कॉपर ब्लैक कर दिया और इसका साइज मैंने कर दिया यहाँ से 18, और कलर आप चेंज करना चाहें वो जो भी वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर रेड कर दिया, तो जो भी इसमें से आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर करना या फिर ये पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर्मेट्स में भी नीचे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मैं आप ऑप्शंस आपको कुछ पहले बता चुका हूँ यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ वाले डायलॉग बॉक्स में। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखेगी। और इसमें नीचे ऑप्शंस हैं जैसे ऐड टू क्विक स्टाइल लिस्ट, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर आपकी ये स्टाइल लिस्ट है इसके अंदर ये जो आप चेंज कर रहे हो ये ऐड हो जाएगा। और ऑटोमेटिक अपडेट का मतलब होता है कि जहां पर भी हेडिंग 1 होगी पूरे डॉक्यूमेंट में वहां पर ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। इसमें और ऑप्शन है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, अगर आप ये जो स्टाइल चेंज कर रहे हैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे ही अप्लाई रखना चाहते हैं तो ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर एक जो नया डॉक्यूमेंट हम खोलेंगे तो इसी टेम्पलेट यानी कि इसी स्टाइल पे ही अप्लाई हो, इसी स्टाइल को हम उसके अंदर अप्लाई रखें, तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, नए जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेंगे उन पे सभी पे ये अप्लाई होता जाएगा। तो इस पे हमने क्लिक कर दिया ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट क्योंकि हम इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी आपको इसमें से फॉर्मेटिंग चेंज करनी है मॉडिफाई स्टाइल्स में जाकर, और वो अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ओके करने से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हेडिंग 1 हमने अप्लाई कर रखी थी उनमें सभी में चेंज हो गया, जैसे DTP में और बेसिक कोर्स में दोनों में ही चेंज हो गया। मुझे इनको अलग अलग सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक नहीं करना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग 2 में कुछ चेंजिंग करनी है, तो जब आप हेडिंग 2 पे इस पे क्लिक करते हैं किसी पे तो ऊपर हेडिंग 2 सिलेक्ट हो जाता है, या फिर आप हेडिंग 2 पे राइट क्लिक करके सीधा मॉडिफाई में जा सकते हैं उसी ऑप्शन में। तो मॉडिफाई में जाकर आप इसका जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया और थोड़ा इसको इटैलिक कर दिया, और यहाँ से इसका साइज मैंने कर दिया 16। तो जो भी आप चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, और यहाँ से कोई और स्टाइल देना चाहें फॉन्ट का तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला स्टाइल कर दिया, तो जो आप अप्लाई करेंगे और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो सेटिंग करने के बाद ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी हेडिंग 2 अप्लाई थी वहाँ पर सब जगह चेंज हो गया। मुझे अलग अलग से हर एक हेडिंग को सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से फॉन्ट में से बोल्ड इटैलिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपने जब हेडिंग अप्लाई कर रखी होती हैं तो आप एक ही बार में सब जगह एक ही लेवल की जो हेडिंग्स हैं उन सबको अलग से स्टाइल दे सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब हम ये स्टाइल वाले ऊपर जो ये स्टाइल्स दे रखे हैं इन पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास मॉडिफाई वाला जो ऑप्शन है ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है कि आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। अपडेट हेडिंग 2 टू मैच सिलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने पहले से ही नीचे कोई हेडिंग बना रखी है और उसका स्टाइल आप इसके अंदर अपडेट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर स्टाइल कोई और ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर ले लिया और बोल्ड कर दिया इसको, और इसमें मैंने कोई फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, यहां से मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने इसमें कोई अलग सा स्टाइल ले लेते हैं ताकि मिक्स ना हो,
ये मान लीजिए ब्रेडले हैंड आईटीसी ले लिया, और इसका साइज मैंने कर दिया थोड़ा सा बड़ा, जैसे 14 साइज कर दिया। अब यहां पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा इंटरनेट, ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके। मान लीजिए मैंने ये स्टाइल पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट में बना रखा था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो ये स्टाइल है ये हेडिंग टू में अपडेट हो जाए, ठीक है। अभी हेडिंग टू अगर आप देखेंगे तो ऐसा स्टाइल है हेडिंग टू का, ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं जो मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये हेडिंग टू का स्टाइल है। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो हेडिंग टू में यही स्टाइल है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो स्टाइल डॉक्यूमेंट में इसका इंटरनेट वाले वर्ड का दिया हुआ है ये वहां पर अपडेट हो जाए, तो आपको क्या करना है, जिसमें से आपको स्टाइल लेना है उसको सिलेक्ट करके ऐसे, चाहे आप एक लेटर सेलेक्ट कर ले क्योंकि एक लेटर पे भी वही स्टाइल है, चाहे आप पूरा वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके फिर आपको हेडिंग टू या जिसपे भी अपडेट करना है उसको राइट क्लिक करके और अपडेट हेडिंग टू मैच स्टाइल इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, जो आपने ये सिलेक्ट किया था वो हेडिंग टू का स्टाइल बन जाएगा, और डॉक्यूमेंट में जहां पर भी आपने हेडिंग टू ले रखी है सब जगह वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर सब जगह हेडिंग टू में वो स्टाइल अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये अपडेट वाला ऑप्शन होता है। सिलेक्ट ऑल 7 इंस्टांसेस, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर नंबर आ जाएंगे कुछ, यानी कि ये बता रहा है कि हेडिंग टू के जो आइटम्स हैं या जो आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं, हेडिंग टू हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में 7 है। अगर आप हेडिंग 1 वाले पे इस पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो ये आपको बता देगा 2 हेडिंग है, यानी हेडिंग 1 वाले वर्ड जो है टाइटल है वो 2 है इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हेडिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट में है। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको, यहाँ से जूम से छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे कि मैं ऑप्शन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैसे दिख रहा है वो। तो अब मैंने जैसे यहाँ पर हेडिंग 2 पे राइट क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल 7 इंस्टांसेस, इंस्टांसेस का मतलब होता है पार्ट, यानी कि उसके मेंबर, यानी हेडिंग 2 के जितने भी मेंबर है उन सबको ये सिलेक्ट ऑल कर देगा। तो सिलेक्ट ऑल पे जब हम क्लिक करेंगे तो 7 हेडिंग्स थी, तो 7 हेडिंग्स में इन सभी में ये अप्लाई हो गया, ये सिलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप हेडिंग 2 को सभी को सिलेक्ट करके और फिर भी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको चेंजिंग कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ कुछ, तो आप देखेंगे कि ये मॉडिफाई वाला ही जैसे ऑप्शन था ना वैसे हो जाएगा। तो मॉडिफाई में आप उस पर क्लिक करके अंदर जाके फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन अगर आप हेडिंग 2 के सारे हेडिंग्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके और फिर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके और सिलेक्ट ऑल वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो हेडिंग सिलेक्ट हो जाएंगी सारी, और फिर जो भी आप कलर या कुछ भी अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 3 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद है रीनेम। अगर आप हेडिंग 2 का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो रीनेम पे क्लिक करके यहाँ पर आप नाम चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कर दिया, क्योंकि ये मैंने अभी स्टाइल बनाया तो मैंने यहाँ पर इसका नाम कर दिया माई हेडिंग 2, यानी मुझे याद रहे कि मैंने हेडिंग 2 बनाई थी, और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि जो हेडिंग 2 है यहाँ पर वो अलग हो गई और माई हेडिंग 2 लिखा आ गया। लेकिन इसमें क्या है कि अभी आप किसी को दूसरी हेडिंग्स को मान लीजिए सिलेक्ट करके, जैसे हेडिंग 3 वाले इस हेडिंग्स को सिलेक्ट करके मैंने माई हेडिंग 2 पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ये वही स्टाइल अप्लाई कर रहा है जो हमने अपडेट किया था, बट ये वाला स्टाइल नहीं आ रहा। ये वाला स्टाइल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इसको टेम्परेरी यहाँ ऊपर फॉन्ट से अप्लाई किया था। तो ये इसका डिफरेंस है। जब आप यहाँ से राइट क्लिक करके मॉडिफाई में कोई भी स्टाइल चेंज करेंगे तो वो इस हेडिंग के अंदर ही चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करके फिर यहाँ से फॉन्ट से अप्लाई करते हैं तो फॉन्ट से सिर्फ वो उसके ऊपर एक टेम्परेरी टाइम के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा हेडिंग का स्टाइल वही रहेगा पहले वाला जो हम मॉडिफाई में जाके करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम हेडिंग का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी। तो इससे क्या होता है, हेडिंग 2 जो है यहाँ से इस गैलरी में से डिलीट हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने से और भी जितने स्टाइल है वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके और रिमूव कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाली हेडिंग यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे एमएस वर्ड में से ही डिलीट होगी, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हेडिंग 2 को वापस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो आगे वाले ऑप्शंस में आएगा। तो यहाँ से डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट यहाँ से हेडिंग 2 डिलीट होगी, है वो यहीं पर है, लेकिन यहाँ जो गैलरी में आपको दिख रहा है ना, इस गैलरी में वो स्टाइल डिलीट हो जाएगा। तो
वो था हमारा डिलीट करने वाला, रिमूव वाला ऑप्शन। उसके बाद है एड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये ऑप्शन किस लिए होता है? हमारा क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर होता है, ये ऊपर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि गैलरी वाला कोई एक बटन वहां पर लग जाए ताकि आपको आसानी से वहीं पे क्लिक करके और सारे स्टाइल्स दिख जाए या फिर जो ऑप्शंस हैं वहां दिख जाए, तो उसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करके किसी भी स्टाइल पर राइट क्लिक करके और एड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से वहां पर एक ये बटन आ जाएगा, ठीक है, क्विक स्टाइल्स, और इसके बटन पे आप क्लिक करके यही स्टाइल्स यहाँ पर छोटे स्क्रीन में देख सकते हैं और वही ऑप्शन यहाँ पर सारे आ जाएंगे। तो इनमें से आप कहीं भी कोई भी ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में से ये स्टाइल्स वाला जो बटन ऐड किया आपने इसको हटाना है, तो इस पर राइट क्लिक करके और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देंगे तो ये स्टाइल्स वहां से हट जाएगा। तो ये ऑप्शंस थे हमारे किसी भी स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करने से जो आते हैं वो। उसके बाद इस बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारे स्टाइल्स है जो इनके नीचे एक यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस आते हैं, सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी स्टाइल, फॉर एग्जांपल अब ये जो पर्पल कलर के मैंने हेडिंग्स वगैरह कुछ बना रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये अलग से एक नए नाम से सेव हो जाए, नया स्टाइल बन जाए इसका। तो उसके लिए इसको आप सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद फिर इस बटन पे क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। इसका मतलब क्या है? जो आपने सिलेक्ट किया है उसको ये सेव कर दे, कैसे? न्यू स्टाइल, न्यू क्विक स्टाइल के तौर पे। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया स्टाइल को और फिर यहाँ से सेव सिलेक्शन वाले इस बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप स्टाइल का नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया पर्पल स्टाइल वन, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर वही जो ऊपर हमने मॉडिफाई वाला ऑप्शन किया था वो यहाँ पर एक आपको बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके और कुछ भी जो भी मॉडिफाई करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ तो इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो मॉडिफिकेशन करके आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा इस पे सेव सिलेक्शन में जाकर और यहाँ पर नाम दे रहा हूँ वही, तो मैंने यहाँ पर दे दिया पर्पल स्टाइल वन और फिर मैंने इसको कर दिया ओके। तो इससे क्या होगा? जो आपका ये स्टाइल है वहां पर ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने से जब भी आपने किसी पे अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बेसिक कोर्स है या फिर ये नीचे जो लिखे हुए हैं इनको अप्लाई करना है, तो इनको सिलेक्ट करके और उस स्टाइल पे क्लिक करके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इनमें से हेडिंग कोई भी दे सकते हैं, कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और जो आपने नया बनाया है उसको भी आप इन्हीं स्टाइल्स की तरह अपना जो स्टाइल बनाया उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है स्टाइल को हटाना, यानी फॉर्मेटिंग का मतलब है जो आपने स्टाइल्स वाला कोई भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको क्लियर करना। तो जिनमें से आपको क्लियर करनी है पहले आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा और फिर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो जिस भी वर्ड में आपने क्लिक कर रखा है या जितने भी हेडिंग्स को आपने ऐसे सिलेक्ट कर रखा होगा तो उनको ये नॉर्मल कर देगा। तो जैसे मैंने इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो इसने उसको नॉर्मल कर दिया। इसका दूसरा तरीका है कि आप अगर किसी भी हेडिंग को, जैसे मान लीजिए मैंने सभी हेडिंग्स को नॉर्मल करना है, तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर जो नॉर्मल वाला स्टाइल होता है आप उस पर क्लिक करके भी इनको नॉर्मल कर सकते हैं। तो नॉर्मल पे या तो सिंपल क्लिक कर दीजिए या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, दोनों सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेडिंग्स में जो भी स्टाइल आपने अप्लाई किए हैं वो नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई स्टाइल्स। अप्लाई स्टाइल्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल जो हमारी हेडिंग्स थी वो आ जाए, ताकि मैं आपको और ऑप्शंस इसमें समझा सकूं। तो फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए मैंने इसको बैक करके और यहां पर मैं इस पोजीशन पर आ गया कंट्रोल जेड करके, तो इसमें अप्लाई स्टाइल्स वाला ऑप्शन किस लिए होता है? अप्लाई स्टाइल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपके पास यहां पर बेसिक कोर्स वाले पे आप क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली हेडिंग वन आ जाएगा, और अगर आप मान लीजिए फोटोशॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर हेडिंग टू आ जाएगा ऑटोमेटिक, और इस थर्ड लेवल वाली हेडिंग पे जिस भी हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे उसका नाम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो इसका ये है कि यहाँ पर नाम आते हैं, और वैसे यहाँ पर एक लिस्ट आती है सभी स्टाइल्स की, जो जो स्टाइल्स आपने ऊपर देखे हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है ऑटो कम्प्लीट स्टाइल नेम्स। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो आप मान लीजिए नॉर्मल करना चाहते हैं तो एन दबाने से ऑटोमेटिक यहाँ पर नॉर्मल टाइप होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं और अब मैं यहाँ पर मान लीजिए हेडिंग वन पे जाना चाहता हूँ
तो यहाँ पर मैं एच लिखूंगा तो हेडिंग वन आएगा ही नहीं, यानी कि मुझे पूरा हेडिंग हेडिंग वन लिखना पड़ेगा, जैसे कि है ऐसे। तो हेडिंग वन अगर मैं लिखूंगा तब ये पूरा नाम बनेगा, यानी कि यहाँ पर लिखने से वो जो लिस्ट में नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइप नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देते हैं और फिर यहाँ पर लिखते हैं जैसे मैंने एच ई ए ऐसे लिखा, तो उसके बाद ये हेडिंग वन ऑटोमेटिक आ गया। तो इस ऑप्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद है अप्लाई। अप्लाई होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर इस पे किसी भी अगर स्टाइल को क्लिक करेंगे, अभी ये हेडिंग थ्री है, अगर मैं यहाँ से हेडिंग वन कर देता हूँ तब यहाँ पर हेडिंग वन अप्लाई हो जाएगी नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में हेडिंग वन अप्लाई होगी। रीअप्लाई का मतलब क्या होता है? रीअप्लाई का मतलब होता है जैसे अगर आप हेडिंग वन पे यहाँ पर एमएस वर्ड में मैंने क्लिक किया और इसको नीचे वालों को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऊपर तो हेडिंग वन ही लिखा हुआ है। तो जब आप उस हेडिंग पे क्लिक करके जो अप्लाई करना चाहते हैं और नीचे वाले ऑप्शन जिनमें हेडिंग दूसरी अप्लाई है, तो ऊपर वाली हेडिंग को नीचे वाली हेडिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो रीअप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो रीअप्लाई करने से उन सब पे अप्लाई हो जाएगी वो हेडिंग। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके नीचे जो एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट लिखा हुआ है, इनमें क्लिक करने से ऊपर हेडिंग थ्री आ रही है, ठीक है, तो आप इनसे नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर हेडिंग थ्री ही रहेगा, और जब आप रीअप्लाई करेंगे तो नीचे वाली हेडिंग का स्टाइल ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से रीअप्लाई का मतलब तो यही होता है कि जो आपका पहले स्टाइल है और किसी और पे वो स्टाइल रीअप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बटन दिया होता है। तो वैसे तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो वो स्टाइल जो भी सिलेक्शन होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे सेलेक्ट करके अलग अलग दो अलग अलग तरह के स्टाइल्स जो होते हैं उनको सेलेक्ट करके और फिर रीअप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हेडिंग टू में मुझे मॉडिफिकेशन करनी है तो ये मॉडिफाई का बटन वही है जो मैंने आपको पहले बताया है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही ऑप्शन आएंगे, फिर आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अप्लाई स्टाइल्स के ऑप्शंस कुछ, और इसमें एक यहाँ पर बटन भी दिया हुआ है स्टाइल्स वाला। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक स्टाइल्स वाला पैन खुल जाएगा यहाँ पर, स्टाइल्स पैन, तो इसको पैन को कहते हैं, छोटी विंडो यानी कि छोटी सी एक स्क्रीन खुल जाएगी। तो इस स्क्रीन को आप यहां से क्लोज भी कर सकते हैं, अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो यहां पर इस वाले टाइटल बार पर क्लिक करके इसको मूव कर सकते हैं, और छोटा बड़ा करना चाहें तो साइड में जब बाउंड्री पे एरो का सिंबल आता है तो इससे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और क्लोज करना है तो यहां से, और इसके यहां पर साइड में एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करके भी, मूव पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं, और साइज पे क्लिक करके वही छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली वही ऑप्शन है जो आप मैनुअली करना चाहें या इस बटन पे क्लिक करके करना चाहें, तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद अगर ये ऑप्शन आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते इस स्टाइल वाले बटन से, तो जो ये स्टाइल वाला ग्रुप होता है इसके साइड में कॉर्नर में नीचे एक बटन होता है, या फिर आप कीबोर्ड में शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं अल्ट कंट्रोल शिफ्ट और एस, तो अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करने से आपका ये स्टाइल्स वाला स्क्रीन आ जाएगा। तो आप चाहे वहां अप्लाई स्टाइल्स वाले डायलॉग बॉक्स में बटन पे क्लिक कर दीजिए या फिर इस कॉर्नर वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें क्या होता है, इस पे जो इसका टाइटल है इस पे डबल क्लिक करने से आप इसको साइड में सेट कर सकते हैं, साइड में ये लग जाएगा, नहीं तो आप इसको उठाकर और अलग निकाल भी सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। इनमें क्या होता है, जो भी आपने स्टाइल अप्लाई कर रखे हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, और साथ ही साथ आपको ये दिखाएगा कि कौन कौन से स्टाइल कैसे कैसे दिखेंगे। तो नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पर शो प्रीव्यू, अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो सिर्फ स्टाइल के जो नाम है सिर्फ वही आएंगे, और अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो स्टाइल का प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो शो प्रीव्यू से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। किसी भी स्टाइल के ऊपर जब आप पॉइंटर ले जाते हैं तो ये उसकी पूरी डिटेल दिखाता है कि इस पे फॉन्ट्स का स्टाइल कौन कौन सा अप्लाई है, पैराग्राफ की कौन कौन सी सेटिंग्स कर रखी है, वो आपको इस बॉक्स में दिखा देगा। तो अगर आप किसी स्टाइल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर पॉइंटर ले जाइए और आपको ये उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। और इसके साइड में भी एक बटन होता है, अगर इसके साइड में बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वही ऑप्शन आएंगे जो आपके ऊपर मैंने राइट क्लिक करके ये बताए थे, ये वाले ऑप्शंस सेम वही ऑप्शंस हैं अगर आप इसके साइड में इस बटन पे क्लिक करेंगे तो। तो इसमें ये एक डिलीट हेडिंग टू वाला ऑप्शन डिसेबल है, क्योंकि ये जो हेडिंग्स हैं ये पहले से ही आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड में बनी हुई है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, जो आप खुद बनाएंगे अपनी हेडिंग उसको ही डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें
डिसेबल लिंक्ड स्टाइल्स। डिसेबल लिंक्ड स्टाइल से क्या होता है, अगर आपके इसमें कोई स्टाइल लिंक्ड है वो यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, वो डिसेबल हो जाएगा। ये अभी ऑप्शन यहाँ पर नहीं चल रहा क्योंकि मैंने कोई लिंक्ड स्टाइल यहाँ पर नहीं बनाया, तो इस ऑप्शन का ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल का मतलब होता है अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करके, और यहाँ पर जैसे मैं इसको पेज मेकर को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूँ, यानी कि स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं स्टाइल कर रहा हूँ अलग, जैसे मान लीजिए मैंने इसका ये स्टाइल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद इसको इटैलिक हटा देते हैं, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये जो है स्टाइल ये हमारा गैलरी में वहाँ पर न्यू स्टाइल में ऐड हो जाए, यानी नया स्टाइल बन जाए, तो इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर इस न्यू स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, इसमें आप स्टाइल का नाम ऊपर देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ग्रीन स्टाइल वन, कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्टाइल वन जो है उसकी जगह पर आप हेडिंग वन, हेडिंग टू ये नाम नहीं दे सकते क्योंकि हेडिंग वन टू फिक्स है पहले से, तो इसके अलावा कोई और नाम अगर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद है स्टाइल टाइप, ये ऑटोमेटिक आता है तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो ये बता रहे हैं कि ये पैराग्राफ टाइप स्टाइल है, वैसे आप इसमें चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो आपको फिर नॉर्मल करने में या फिर दोबारा से चेंजिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन डिटेक्ट करता है कि ये किस पे बेस्ड है, स्टाइल टू पे बेस्ड है, ठीक है, इसका पैराग्राफ का स्टाइल फॉलोइंग कौन सा है, ग्रीन स्टाइल वन है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ ऑप्शंस डिटेक्ट करके दिखा देता है, तो आप इस पे चेंजिंग ना करें तो ही बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप इनमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया और फिर जो भी चेंजिंग करके ओके करेंगे तो ये एक नया स्टाइल बन जाएगा। जैसे आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर स्टाइल गैलरी में भी ये ऐड हो गया और यहाँ पर इस लिस्ट में भी ऐड हो गया। तो फिर आप बाद में किसी को भी हेडिंग्स को सिलेक्ट करके और यहाँ से उस वाले जो आपने स्टाइल बनाया है उस पर क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बटन होता है ये होता है न्यू स्टाइल अप्लाई करना। उसके बाद ये होता है स्टाइल इंस्पेक्टर वाला बटन। स्टाइल इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, इस पर क्लिक करने से आपने जिस भी हेडिंग को सिलेक्ट किया होगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है कि ये ग्रीन स्टाइल वाला स्टाइल है और इसमें कोई प्लस कोई एक्स्ट्रा आपने फॉर्मेटिंग नहीं की, मान लीजिए आप एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग कोई कर देते हैं, जैसे मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कलर ये कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दिया या फिर इसका साइज बड़ा कर दिया और कोई और जैसे सेंटर कर दिया इसको, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको चेंजिंग करते जाएंगे वो आपको यहाँ पर डिटेल दिखाता जाएगा साइड में, और इन डिटेल्स को अगर आप फॉर्मेट में जो आपने चेंजिंग की है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो साइड में यहाँ पर बटन दिए हुए हैं। तो जैसे ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है तो इसमें अगर आप इसको क्लिक करेंगे रीसेट टू नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल, तो इससे इसकी सेटिंग सारी हट जाएगी, स्टाइल हट जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। और एक ये होता है क्लियर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपने पैराग्राफ के ऑप्शन अप्लाई किए थे सिर्फ वो हटेंगे, लेकिन आपका स्टाइल वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर आप फॉन्ट के भी कलर और ये सब हटाना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया, इसको अंडरलाइन किया, 28 का पॉइंट किया, इसमें ग्रीन कलर दे दिया, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने से आपका वो ग्रीन स्टाइल वाला स्टाइल जो था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग की थी वो हट जाएगी। इसमें एक यहाँ पर भी बटन होता है, ये बटन होता है क्लियर करेक्टर स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन खास दिखेगा नहीं, ये तब दिखेगा जब आप यहाँ से कोई और हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटेंस एम्फेसाइज अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तो इंटेंस एम्फेसाइज अप्लाई हो गया और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लियर में तो वो हट जाएगा। इंटेंस एम्फेसाइज से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इटालिक हो रहा है, यानी कि थोड़े टेढ़े अक्षर हो रहे हैं। तो जब आप इनमें से कोई और स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टाइल टेक्स्ट लेवल का, क्योंकि ये जो इटालिक करना है ये फॉन्ट पे या टेक्स्ट पे अप्लाई होता है, ये पैराग्राफ का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेक्स्ट लेवल फॉर्मेटिंग। जब आपने इस तरह का कोई स्टाइल अप्लाई किया हो तो ये बटन तब काम करेगा, क्लियर करेक्टर स्टाइल, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होते हैं जो एक्स्ट्रा आपने अप्लाई किए, ये दोनों बटन, और ये वाला जो बटन होता है जो आपने एक्स्ट्रा स्टाइल अप्लाई किया होगा वो, और ये जो बटन होता है पहला, ये तो आपका पूरा जो स्टाइल है उसको नॉर्मल कर देगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे
तो ये उसको नॉर्मल फॉर्मेटिंग में यानी कि सारा स्टाइल हटा देगा। तो इस तरीके से आप इसका स्टाइल इंस्पेक्टर के ये वाले चारों ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है रिवील फॉर्मेटिंग। रिवील फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे और रिवील फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उस फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेल आ गई कि आपने 26 का पॉइंट इसमें अप्लाई कर रखा है और ये फॉन्ट का जो कलर है टेक्स्ट 2 है। ठीक है, टेक्स्ट 2 वैसे कलर दिया हुआ है बट इसका मतलब है कि हेडिंग 2 या 3 उसके अंदर जो कलर है वो अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह के इसके अंदर करेक्टर स्पेसिंग कितनी है या फिर इसका पैराग्राफ का स्टाइल कैसा है, तो ये सभी आ जाएंगे यहाँ पर कि इसमें अलाइनमेंट लेफ्ट है। तो कहने का मतलब है कि रिवील फॉर्मेटिंग से क्या होता है, इस बटन पे क्लिक करने से जो भी हेडिंग आपने सेलेक्ट की है उसकी ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप दो स्टाइल्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या फर्क है, तो उसके लिए होता है ऊपर यहाँ पर ऑप्शन कंपेयर टू अनदर सिलेक्शन। अगर आप इस पे क्लिक करके और किसी और फॉर्मेटिंग वाले स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने डीटीपी कोर्स को क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर एमएस एक्सेल आ रहा है और नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक जो डीटीपी कोर्स था उसका कोर्स लिखा गया। यानी कि आप इन दोनों स्टाइल्स में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन आपको यहाँ पर दिखा देगा, जैसे ये बता रहा है कि जो आपने ऊपर एमएस एक्सेल लिखा हुआ उसका जो फॉन्ट का साइज है वो 26 पॉइंट है और जो कोर्स ये डीटीपी कोर्स लिखा हुआ रेड कलर में इसका जो स्टाइल उसका फॉन्ट का जो साइज है वो है 18। ऐसे ही इसमें ऊपर वाले में एमएस एक्सेल में तो नॉट बोल्ड है और ये जो डीटीपी कोर्स लिखा हुआ है ये बोल्ड है। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करके यहाँ पर सारी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद नीचे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश स्टाइल सोर्स। ये ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि ये तब ऑन होता है जब आप यहाँ से कंपेयर वाला ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे। जब आप इसको कंपेयर वाले ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो जिस स्टाइल पे आपने क्लिक कर रखा है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देता है, और इसको ऑन करने से बस वो जो स्टाइल है ना ऊपर उसके टाइटल में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है कि ये हेडिंग 1 से लिया हुआ है, ये भी हेडिंग 1 से लिया हुआ है, तो फॉन्ट भी हेडिंग 1 से, पैराग्राफ भी हेडिंग 1 से लिया हुआ है। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो उसकी डिटेल थोड़ी सी नीचे करके दिखा देगा। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं होता, ये सिर्फ आपका जो व्यू है इसमें हेडिंग का डिटेल देखने का उसको ही चेंज करता है। उसके बाद है शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स। इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग के जो मार्क्स होते हैं यानी कि जब आप टैब बटन दबाते हैं एंटर करते हैं या फिर आप कोई भी लाइन में स्पेस देते हैं तो उन सभी को शो करना। जब आप इसको ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जहां पर भी आपने टैब दिया होगा या स्पेस दिया होगा वहां पर ये डॉट डॉट लग जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल के बीच में डॉट लग गई, इसका मतलब है स्पेस दिया हुआ है आपने, और एमएस पावर पॉइंट के बीच में भी यहाँ पर ये डॉट लगी हुई है, और साइडों में ये जो उल्टा पी जैसा सिंबल लगा हुआ है इसको हम पैराग्राफ सिंबल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने एंटर एंटर प्रेस किया हुआ है, जहाँ पर भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपने एंटर एंटर जहाँ पर भी प्रेस किया होगा सब जगह पर आपको ये सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स वाला ऑप्शन है इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। आप ऊपर यहाँ पर पैराग्राफ वाले ग्रुप में इस बटन से भी ऑन कर सकते हैं। तो ये बटन और वो वाला जो ये ऑप्शन है ये दोनों सेम है। तो मैं वहाँ से अगर उसको पैराग्राफ वाले इस ऑप्शन को शो हाइड करूँगा, यानी कि इसको मैं अभी हाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से सिंबल वो हट गए और आप देखेंगे नीचे यहाँ पर भी ऑटोमेटिक ये ऑप्शन ऑफ हो गया। तो यहाँ से भी आप ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको या फिर इस ऑप्शन से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल ऑप्शंस हैं स्टाइल्स के, ये ऑप्शन कभी कभी रेयर काम आ जाते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो ये था हमारा रिवील फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ विंडो को। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है न्यू स्टाइल। ये न्यू स्टाइल वाला बटन वही है जो यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि आप किसी भी स्टाइल को ऐसे सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल इस स्टाइल को सिलेक्ट करके और न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वही खुलेगा फॉर्मेटिंग वाला सिस्टम, और फिर उसमें ओके करेंगे तो ये नया स्टाइल बन जाएगा। उसके बाद है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ये हेडिंग है उसकी फॉर्मेटिंग सभी को नॉर्मल कर देगा। तो क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सिलेक्ट किया होगा, जितनी भी हेडिंग को सिलेक्ट किया होगा, जैसे मैंने मान लीजिए एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट इन दोनों हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर कर लिया क्लियर ऑल, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको आप अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक करने के लिए, इसको आप ऊपर यहाँ से स्टाइल्स वाले में नॉर्मल पे क्लिक करके भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो चाहे ये नॉर्मल वाला बटन हो, चाहे ये क्लियर ऑल वाला बटन हो, या फिर इसमें जाकर और ये क्लियर फॉर्मेटिंग वाला बटन हो, ये तीनों ही ऑप्शन सेम है। तो ये होता है हमारा स्टाइल इंस्पेक्टर वाला सारा डायलॉग बॉक्स।
इसके ऑप्शंस। आई होप आपको ये ऑप्शंस सही समझ में आ गए होंगे। YouTube पे आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके ऑफिस वर्क में काम आ सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये हमने स्टाइल इंस्पेक्टर वाला ऑप्शन कर लिया। उसके बाद है यहाँ पर मैनेज स्टाइल। मैनेज स्टाइल वाले ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनको मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि ये ऑप्शंस रेयर काम में आते हैं, और इन ऑप्शंस में अगर आप कुछ चेंजिंग करेंगे तो आपको हेडिंग के स्टाइल में प्रॉब्लम आ सकती है, और बाद में अगर आप भूल गए कि आपने कौन सा ऑप्शन इनमें से चेंज किया था, तो उसको दोबारा से नॉर्मल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये ऑप्शन आप ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि ये रेयरली काम आते हैं, तो इन ऑप्शंस को मैं नहीं करवा रहा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी ये ऑप्शंस कभी कभी रेयरली काम आते हैं, नॉर्मल हमारे ऑफिस के वर्क में काम नहीं आते। तो इसमें तो ये होता है कि जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, इस पर क्लिक करके मॉडिफाई वाला बटन वही है जो आपने पहले कर रखा है। रिकमेंडेड वाले में क्या होता है, किसी भी स्टाइल को आप क्लिक करके मूव अप और डाउन कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि लिस्ट में वो ऊपर नीचे हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो रिस्ट्रिक्ट में जाकर आप पासवर्ड दे सकते हैं उसको। पासवर्ड देने के बाद वो मतलब हट जाएगा, और अगर आप उस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, परमिट करना चाहते हैं, तो परमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिस्ट्रिक्ट करने से वो लॉक लग गया, और परमिट करने से वो ऑफ हो गया लॉक। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। और सेट डिफॉल्ट्स का मतलब होता है, इनमें अगर आप जो भी चेंज करेंगे तो वो आपका नॉर्मल में चेंज हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो नॉर्मल में सिंपल स्टाइल है, लेकिन अगर आप यहाँ से कर देते हैं, इसमें मान लीजिए एरियल ब्लैक कर दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल। सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है। तो इसको अप्लाई करने के बाद ओके कर दिया, तो अब आप देखेंगे तो जितने भी नॉर्मल टेक्स्ट थे ना हमारे, जो नॉर्मल पे क्लिक करने से आ रहे थे, नॉर्मल में सब में ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये मैनेज स्टाइल्स वाले ऑप्शंस ना कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको दिक्कत आ सकती है। अब इनको नॉर्मल करने के लिए आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मॉडिफाई में जाके भी कर सकते हैं। मॉडिफाई में आपको यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन वाला वही स्टाइल करना पड़ेगा, और 11 का साइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा नॉर्मली। ऐसे ही आप इस पर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मॉडिफाई, और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, और फिर ओके। तो इस तरीके से आप ये स्टाइल जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें कुछ भी चेंजिंग ना करें। उसके बाद यहाँ पर साइड में एक ऑप्शंस का बटन है, इस पर भी क्लिक करने से आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनको भी अगर आप चेंज ना करें तो ठीक रहेगा। इसमें मैं आपको 2-3 ऑप्शन बता देता हूँ सिर्फ, जो आपके काम के हैं। जैसे कि अगर अब आप देखेंगे इसमें लिस्ट में, तो हेडिंग 1, 2, 3, जैसे पहले एन वाला नॉर्मल नो स्पेसिंग एन वाले लेटर वाले हेडिंग आ रही हैं, फिर एच वाले आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑर्डर वाइज लग जाए, तो ऑप्शंस में जाकर आप यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर अगर आपने अल्फाबेटिकली कर दिया और फिर ओके, तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ABCD के हिसाब से नाम सारे सेट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, ये यूजफुल है, बाकी दूसरे ऑप्शंस करना ज़रूरी नहीं है। और इसमें अगर आप फॉन्ट के हिसाब से करना चाहते हैं, या फिर बेस्ड ऑन या टाइप के हिसाब से करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर ये लिस्ट ऐसे अरेंज हो जाएगी, यानी इनके नाम ऊपर नीचे सेट हो जाएंगे। तो नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पर एज रिकमेंडेड कर सकते हैं, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इनमें ऑप्शंस में भी आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि चेंजिंग करने से अगर आप भूल गए बाद में कि आपने क्या चेंज किया था, तो उससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये हमारे ऑप्शंस होते हैं स्टाइल्स में। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये साइड में दिया हुआ है चेंज स्टाइल्स वाला ऑप्शन। ये क्या होता है, चेंज स्टाइल वाले ऑप्शन में मान लीजिए अभी मैं इसको दोबारा से नॉर्मल कर रहा हूँ, जैसे कि इन तीनों को मैंने हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया, और जो ये वाले थे इनको मैंने हेडिंग 3 अप्लाई कर दिया, और ये जो जितने नीचे थे इनको भी हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने हेडिंग का लेवल बना दिया जैसे पहले हमने सेट किया था। अब हम करेंगे चेंज स्टाइल्स। चेंज स्टाइल्स वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे, तो इसमें ये वाले ऑप्शन आएंगे, स्टाइल सेट सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर। स्टाइल सेट में आप पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको ये अलग अलग तरह के स्टाइल दिखाएगा, तो इसमें से आप जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया जैसे मॉडर्न, तो मॉडर्न वाले स्टाइल को आप क्लिक करेंगे, तो क्योंकि ये स्टाइल सेट है, तो ये पूरा का पूरा सेट हेडिंग 1, 2, 3 जितने भी हमारे यहाँ गैलरी में स्टाइल है,
सब पे ये सेट अप्लाई हो जाएगा, ये प्री डिफाइंड है यानी कि ये पहले से बना हुआ है। तो आप इनमें से कोई भी स्टाइल अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रेडिशनल कर दिया तो ट्रेडिशनल स्टाइल के हिसाब से हमारी हेडिंग सेट हो जाएंगी, और कोई स्टाइल करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें रीसेट टू क्विक स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट। अगर इस टेम्पलेट से आप रीसेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट में क्विक स्टाइल को रीसेट करना चाहते हैं, तो इन दोनों से सेम ही ऑप्शन होते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये नॉर्मली वही हेडिंग 2-3 थे जो नॉर्मल, उसमें हो जाएगा कन्वर्ट। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे रीसेट डॉक्यूमेंट क्विक स्टाइल्स, तो इस पर क्लिक करने से भी वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, पता नहीं इन्होंने ये दोनों ऑप्शन क्यों दे रखे हैं, बट ये मोस्टली टेम्पलेट के लिए होता है और ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है। उसके बाद सेव एज क्विक स्टाइल सेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए अभी आपने इसमें कोई भी स्टाइल जैसे मॉडर्न वाला अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये मॉडर्न वाला स्टाइल है, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग 1, 2, 3 में मैं कुछ चेंज करके और इस पूरी स्टाइल गैलरी के सेट को अलग से अपने नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो ऑप्शन होता है। तो इसमें हम राइट क्लिक करके सभी में मॉडिफाई कर देंगे अपनी मर्जी से, और जो भी आपको इसमें चेंज करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको साइज कर दिया 18, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सेंटर में और फिर कर दिया ओके, तो ये स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक किया, मॉडिफाई में गए और यहाँ पर इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, मान लीजिए रेड कर दिया इसका कलर, और फिर ओके। अभी आप देखेंगे तो ऊपर हेडिंग 3 और 4 यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि उसको हमने डिलीट कर दिया था राइट क्लिक करके, जब मैंने आपको ऑप्शन बताए थे डिलीट वाले। इनको हेडिंग 3 और 4 को वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे क्लिक करके और अप्लाई स्टाइल्स में जाना पड़ेगा, और जिन स्टाइल्स पे आपको हेडिंग 3 अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करके, हेडिंग 3 यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए इस लिस्ट में, और ऑटोमेटिक या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, और फिर रीअप्लाई कर देंगे। रीअप्लाई करने से क्या होगा, हेडिंग 3 और 4 यहाँ पर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो रीअप्लाई करने से ना जो आपके बने बनाए प्री डिफाइंड स्टाइल थे वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं दोबारा। तो यहाँ पर आपने हेडिंग 3 इसको अप्लाई कर दिया। जब आप ऐसा ये सभी स्टाइल्स में चेंजिंग कर लेंगे तो इस सेट को अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने नाम से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टाइल सेट में जाकर और इस ऑप्शन पे सेव एज क्विक स्टाइल सेट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया माई क्विक स्टाइल 1, इसको नाम देके सेव कर देंगे। तो जो आपने ये स्टाइल के सभी में चेंजिंग किया है और उसका एक सेट अपने नाम बनाकर सेव कर दिया, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, कहाँ पर, स्टाइल सेट के अंदर। अगर आप स्टाइल सेट के अंदर देखेंगे तो वो नाम यहाँ पर ऐड हो गया है, माई क्विक स्टाइल 1। तो अगर आपने मान लीजिए कोई और अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल ये अप्लाई कर दिया, तो इसमें आपका ये स्टाइल सेट पूरा चेंज हो गया। लेकिन अगर आपने जो पहले सेव किया था अभी उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस नाम पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप उस नाम पे क्लिक करेंगे तो ये वही स्टाइल आपका पूरे सेट पे अप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से आप ये स्टाइल सेट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। किसी भी स्टाइल सेट को अगर आप ऐड करना चाहते हैं गैलरी में क्विक एक्सेस टूल बार में, तो वहां पर ऊपर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करके ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक करने से ये ऊपर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये स्टाइल सेट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें कलर्स वाला ऑप्शन। वैसे तो अगर आप कलर्स वाले ऑप्शन में कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में अप्लाई होके दिखेगा, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो इनमें अलग अलग बहुत सारे कलर दे रखे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ब्लू और ग्रीन कलर की शेडिंग है, इसमें जैसे रेड पिंक और अलग अलग तरह के कई तरह के कलर दिए हुए हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, ये एक बिल्ड इन थीम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनी बनाई थीम्स होती हैं। ये यहाँ पर आपको पूरे कलर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं इस पे ले जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसमें से ये ग्रीन कलर इसमें तो कहीं यूज ही नहीं हुआ आपके डॉक्यूमेंट में, तो ये कहाँ पे यूज होगा उसको समझाने के लिए मैं आपको अलग ऑप्शन बता रहा हूँ। तो वैसे तो आप यहाँ से अगर कुछ फॉर्मेटिंग हेडिंग की चेंज करना चाहें कलर की, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप सारे कलर्स को यूज करके देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से होता है। इसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में से कोई स्मार्ट आर्ट या चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे मैं स्मार्ट आर्ट में जाकर कोई भी एक स्मार्ट आर्ट का
फिगर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये पहले वाला ही ले लिया, फिर ओके। ओके करने के बाद आपके पास ये फिगर आ जाएगा स्मार्ट आर्ट का, और इसमें आपने इस पर क्लिक करके इसकी बाउंड्री पे डबल क्लिक करके और यहाँ से चेंज कलर में कोई भी कलर की थीम अप्लाई कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर की ये वाली थीम अप्लाई कर दी। तो अब जब आप होम में जाकर और इस चेंज स्टाइल में कलर्स में जाएंगे तो आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे वो सभी कलर इसके ऊपर आपको अप्लाई होके दिखेंगे। तो अगर आप ये सारे कलर्स यूज करके देखना चाहते हैं तो ये हमारे टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है, स्मार्ट आर्ट में या जो आप चार्ट वगैरह बनाते हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स के फिगर होते हैं उनमें। तो इस तरीके से वहां पर आप ये ऑप्शन सारे कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू थीम कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। इसमें आपसे अलग अलग तरह के ऑप्शंस बता रहा है आपको कि आप किस ऑप्शन का या किस पैराग्राफ के स्टाइल का या किस एक्सेंट का क्या कलर करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सारे कलर चेंजिंग कर सकते हैं और उसकी एक नई थीम बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ माई कलर थीम, इसका नाम मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, और फिर मैंने यहाँ से एक्सेंट में जाकर कोई भी कलर चेंज कर दिया, जैसे इसका रेड कलर कर दिया और इसका मैंने ऑरेंज कलर कर दिया थोड़ा सा, और अलग अलग तरह के कलर जो भी आप देना चाहें। इस तरह जो जो आप कलर इसमें अप्लाई करते जाएंगे वो आपका इस स्टाइल के कलर के स्टाइल में थीम में सेट हो जाएगा। और ये हाइपर लिंक के कलर आप कौन से करना चाहते हैं, अगर टेक्स्ट का बॉक्स होगा तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको बैकग्राउंड का कलर क्या करना है, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखा रहा है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, अगर मैं यहाँ से इसको ब्लैक की बजाय ब्लू कर दूंगा तो यहाँ पर ये ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी कलर यहाँ सेट करना चाहें थीम के वो कर सकते हैं। और उसके बाद कर देंगे हम सेव, तो इसका नाम हमने रखा है माई कलर थीम और मैंने कर दिया सेव। तो इससे ये आपका पूरी जो थीम आपने नाम सेट किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब जैसे ही आप इसमें चेंज स्टाइल में कलर्स में जाएंगे तो आपको उस नाम से ऊपर ये थीम मिलेगी। आपने मान लीजिए अगर कोई और थीम अप्लाई कर रखी है, मैं आपको इसको स्मार्ट आर्ट में अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये कलर है, अगर आप कलर्स में जाकर और इनमें से कोई और स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया और आपने जो कलर का थीम बनाया था उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर है, तो इसको क्लिक करने से आपके यही कलर जो आपने सेट किए थे वो अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से आप अपना नया कलर का थीम स्टाइल बनाकर और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से इसके कलर के स्टाइल पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके सॉरी, एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। एडिट में जाकर दोबारा से उसके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप उस स्टाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो कलर्स में उस स्टाइल पे राइट क्लिक करके और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये कलर का स्टाइल डिलीट हो जाएगा। ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक करने से ये जो आपका कलर का स्टाइल है ये वहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस पर क्लिक करने से तो ये यहाँ पर आपका क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर इसको आपको डिलीट करना है यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में से तो राइट क्लिक करके रिमूव वाले ऑप्शन से आप हटा सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपका ये कलर थीम वाले सारे ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद है फॉन्ट, फॉन्ट भी इन्हीं की तरह काम जैसे कलर का था वैसे ही इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है कि आप किसी पे भी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहें जो भी वो कर सकते हैं। मैं इसको ऊपर हेडिंग्स में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग्स में किसी में भी क्लिक कर दिया। उसके बाद फॉन्ट का स्टाइल ये बने बनाए हैं प्री डिफाइंड, तो आप इनमें से कोई भी फॉन्ट के स्टाइल अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। जिस पे पॉइंटर ले जाएंगे वो आपको ये यहाँ पर दिखाएगा और जिस पे आप क्लिक कर देंगे वो चेंज हो जाएगा। अगर आप अपना नया फॉन्ट का स्टाइल कोई बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू थीम फॉन्ट्स, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये बॉडी टेक्स्ट होता है जो आपका नीचे पैराग्राफ होता है, तो ये आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा है, तो आप इनमें से कोई भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो ए लेटर बी ए बी सी डी होते हैं उनके लिखने का जो तरीका होता है, किसी में ऊपर लाइन लगा के ए लिखा होता है, किसी में सिंपल ए लिखा होता है, तो वो स्क्रिप्ट अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं होता। हिंदी में ये आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा है, बाकी हिंदी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ऐसा। तो यहाँ से जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो आपका एक नया थीम बन जाएगा। थीम का नाम जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर माई फॉन्ट थीम और फिर कर दिया इसको हमने सेव। सेव करने से अब ये स्टाइल हमारा फॉन्ट वाले में सेव हो गया। तो जब भी आप किसी दूसरे पे दूसरा स्टाइल कोई भी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इनमें
ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे ये अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर मैं अपना स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको जो आपने स्टाइल बनाया था वो आपको यहाँ मिलेगा, माई फॉन्ट थीम। तो इस पर क्लिक करने से वो यहाँ पर आपके पैराग्राफ में या फिर जो भी आपने इस तरह का स्टाइल लिया होगा उस पर अप्लाई होगा। अभी इसमें वो वाला स्टाइल जो हमने प्रॉपर दिया था वो अप्लाई नहीं हुआ। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे राइट क्लिक करके, और एडिट में जाकर जो ये बॉडी स्टाइल था, जो हमारा बॉडी फॉन्ट था, इसमें चेंजिंग कर देंगे। इसमें चेंजिंग करने के बाद फिर सेव करेंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर सब चेंज हो गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा पैराग्राफ का टाइटल नहीं है, कोई बॉडी टेक्स्ट है यानी कि सिंपल टेक्स्ट है, तो उस पर अप्लाई करने के लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपका जो भी पैराग्राफ का स्टाइल अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो आप बॉडी टेक्स्ट वाले में उसमें एडिट करके राइट क्लिक करके एडिट और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करेंगे तो ये स्टाइल डिलीट हो जाएगा, और इस फॉन्ट वाले पूरे ऑप्शंस को आप वहाँ पर एक बटन में क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है वो होगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यस करके। तो इस तरीके से आपका ये फॉन्ट्स वाला ऑप्शन होता है। उसके बाद है सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने जो भी ये स्टाइल अप्लाई किया है, आप इसको चाहते हैं कि जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करें तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, सेट रहे हमेशा, तो उसके लिए आप सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे। सेट एज डिफॉल्ट करने के बाद जब आप नई फाइल लेंगे इस बटन पे क्लिक करके न्यू या फिर कंट्रोल एन करके, तो आपके पास नई डॉक्यूमेंट के अंदर भी आपके पास ऊपर यही स्टाइल मिलेंगे, क्योंकि आपने इसको सेट कर दिया डिफॉल्ट के तौर पे, यानी कि प्री डिफाइंड कर दिया। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से स्टाइल सेट में आपको डिफॉल्ट ब्लैक एंड वाइट करना पड़ेगा, और कलर्स में भी आपको ऑफिस करना पड़ेगा, और फॉन्ट्स में भी आपको ऑफिस करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद फिर आपको यहाँ से सेट एज डिफॉल्ट करना है। तो इससे जब आप दोबारा नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं फिर नया डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, तो फिर आपका ये जो ऊपर हेडिंग्स हैं ये नॉर्मल आएंगी। तो इस तरीके से अगर आप सेट एज डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरे एमएस वर्ड में आपका वही स्टाइल चलता रहेगा जब तक आप उसको नया चेंज करके नॉर्मल करके और फिर सेट नहीं करते दोबारा डिफॉल्ट में। तो सेट एज डिफॉल्ट वाला ऑप्शन ये होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा स्टाइल्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस समझ में आ गए होंगे। नॉर्मली हमारा जो ऑफिस वर्क होता है उसमें जब हम हेडिंग्स बनाते हैं तो उसमें ये ऑप्शंस बहुत ही काम के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई ऑप्शन इनमें से समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे इस वीडियो के कॉमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे वीडियोस को जो स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना चाहते हैं यूट्यूब से फ्री में, तो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आसानी से स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शंस को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।